हेलो दोस्तों, मैं नवरत्न आपका स्वागत करता हूँ हैकर 5T के अंदर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कस्टम यूआरएल के बारे में। पहले मैं बता देता हूँ कि कस्टम यूआरएल क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक होता है उसे कस्टम यूआरएल कहते हैं। और दोस्तों इस कस्टम यूआरएल को लेने के लिए आपको 100 सब्सक्राइब कम्प्लीट आपके चैनल पर कम्प्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों कस्टम यूआरएल देख लेते हैं कि कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका चैनल का लिंक होता है, यहाँ पे कस्टम आप देख पा रहे हो यूआरएल के अंदर, तो मेरा ये कस्टम यूआरएल है youtube.com/hacker5t। आप अगर गूगल के अकाउंट गूगल में कहीं पे भी सर्च करोगे youtube.com/hacker5t तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका भी इसी प्रकार होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप अगर नए हो, आपने कस्टम यूआरएल नहीं लिया है, तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा youtube.com/channel/ फिर ये कोडिंग की भाषा में लिखा होता है, तो इस प्रकार से आपका कस्टम यूआरएल होता है। तो दोस्तों इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कुछ सेटिंग्स देखनी होगी और करना होगा, तो आप मेरे को फॉलो करिए और देखिए कि किस प्रकार से चैनल का लिंक लिया जाता है। तो दोस्तों इसको लेने के लिए हमारे को 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होने चाहिए। होने के पश्चात में जैसे दोस्तों हमारा जो भी यूट्यूब डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही यूट्यूब डैशबोर्ड खोल लेते हैं, डैशबोर्ड के अंदर आओगे तो हमारे को चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही चैनल पे क्लिक करोगे तो कुछ आपकी सेटिंग्स इस प्रकार दिखाई देगी। और यहाँ पे जो भी कस्टम यूआरएल है वो यहाँ पे इनेबल लिखा हुआ होगा ये बॉक्स, तो हमें इसे इनेबल करना है। तो डायरेक्टली हम इस पे इनेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा तो आपको क्या करना है कि इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कस्टम यूआरएल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम यू आर एल क्लेम इट हर। तो हमें यहाँ पे यू आर एल हर पे दबाना है। जैसे आप क्लिक करोगे सॉरी हमें फिर से क्लिक करना होगा। क्लेम इट हर पे दबाना है। तो दोस्तों जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे लोडिंग होगा। लोडिंग होने के पश्चात में देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि youtube.com/c/analytech। तो दोस्तों ये तो इसके फुल है, लेकिन आप अगर youtube.com/analytech भी लिखोगे आपका चैनल का नाम, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो भी चैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली जैसे कि हमारा चैनल पहले से नेम पहले से होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्लिक करके जैसे कि एना लाइव टेक है इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे आई हैव रेड एंड एग्री टू द कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात में चेंज यूआरएल पे क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो भी यूआरएल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैनल का लिंक है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पहले कुछ अलग ही था, तो यहाँ पे कस्टम यूआरएल हमारा चेंज हो चुका है youtube.com/c/analytech। तो यहाँ पे अगर इस स्लैश इसको भी निकाल दोगे आप डायरेक्टली, हम यहाँ से सर्च करेंगे youtube.com/analytech, तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर भी हमारा YouTube चैनल ही ओपन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके YouTube चैनल का कस्टम URL है उसे चेंज कर सकते हो, और हमारा जो भी कस्टम URL है उसे एक प्रोफेशनली URL बना सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।